भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी है कोमल श्रीवास। इबेरा की लाइव प्रस्तुति है भैया रो मरिया मरई माता से। जैसे अभी आपने देखो है कि कल बिंदवासिनी के दर्शन कराए थे हमने, परसों आपका कराए थे हमने झंझन माता के दर्शन, और उसके पहले हमने आपका दर्शन करवाए थे पीताम्बरा माता की। लगातार 9 दिन की 9 प्रस्तुति बुंदेली चुगली की आप लोगों का बुंदेली चुगली में देखने मिल रही लाइव प्रसारण के माध्यम से। तो आज आए हैं मरई माता। अब देखो जी कछु श्रद्धालु खड़े हैं, इनसे पूछ भी के भैया इतने आके इन्हें का सुकून मिलत, का शांति मिलत, इतने आके कैसा लगा? अच्छा बता। अच्छा लगता है यहाँ पे आके माता के दर्शन। हाँ आए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन करने को मिले, बहुत अच्छा लगा यहाँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 9 दिन कैसे कटा? 9 दिन अच्छे कटते हैं, रोज आते हैं हम लोग। 9 दिन जी आनंद ही आनंद, बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, और यहाँ पे आने पे जो इच्छा पूरी होती है वो सब हो जाती है। जो है देखो कि नए लड़का आए जी कल के, लेकिन पूजा पाठ में इनको भी मन लगा जी। 9 दिन विशेष जो हमने बात करी है कि 9 दिन में विशेष हो जो कार्यक्रम कि जी लड़का बिटिया भी पूजा अर्चना करत। अब हम आपका मंदिर परिसर में लेके चल रहे अंदर। जय माता की भैया सब जन। देखो मेला की शुरुआत हो चुकी है, मेला लगो भैया राम राम। जो है देखो मेला की शुरुआत हो चुकी, मेला भी लगा थे जहाँ माता को स्थान हुई है वो तो निश्चित है कि मेला लग है। कहाँ है बिक्री बट्टा हो रहा हो कि नहीं हो रहा बताओ? बिक्री हो रही मतदा चल मतदा चल रहा कितना मना हो गया बोल बोलो बोलो बोल का नहीं। माता के बगल में माता बैठी बताओ है। तो भैया यही है देखो माता को रूप हो तो कन्या कन्या माता को रूप कहलाती है। वही है देखो कि कन्या जितनी इतने देखवे मिले छोटी बड़ी सब सब माता की भक्ति में लीन। मरई माता को स्थान है जो जो पहाड़िया है, दर्शन करके आ गई आप। कैसा लगो? कैसा लगो? बहुत बढ़िया लगे, अच्छा मंदिर है भैया, अच्छा दर्शन कर ले। हाँ बहुत अच्छा मंदिर है माता के। हाँ माता के दर्शन हुए हैं, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है जी, माता का मंदिर है। जो है भैया देखो श्रद्धा भाव भक्ति कि जो इतने पे मताई बहने आती श्रद्धा भाव लेके आती है पूजा। अच्छा जो बताओ काका खरीदो? अभी कुछ नहीं करी। अबे काका ले भी को माता माता के दर्शन कर भी आएंगे ऐसे आए ना, माता माता के दर्शन कर भी। 9 रूप यही तो है, 9 रूप यही कहा है। तो माता प्रणाम पहुंचे तुम्हें। अब भैया देखो हम आपका लाइव प्रस्तुति के माध्यम से देखवा रहे, मरई माता के दर्शन करवा रहे हम आप लोगों का। इतने से आप देख चलो सब जने कहा है भैया बिक्री बट्टा तुम कैसे हो रहे? बढ़िया सही हो रहे? माता को आशीर्वाद मिल रहा है। जो है देखो भैया दुकानदार भी खुश है, श्रद्धालु भी खुश है। भैया प्रसाद चढ़ा लो। आओ चढ़ा लो माता, माता को आशीर्वाद ले लो पूरा फल। बहुत अच्छी माता। भैया जो है देखो श्रद्धालुओं से भी हम बात करवा रहे हैं आपकी, श्रद्धालु भी बता रहे कि जो मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, आज को मंदिर नहीं है, जो बहुत प्राचीन मंदिर है राजा महाराजन के समय को मंदिर है, जो बब्बा जी बिराजे हैं, बब्बा जी के दर्शन करो सब जने। और इसके बाद हम लेके चल रहे हैं आपका माता के मंदिर में जहाँ भक्ति भाव से श्रद्धालु सब जने आए हैं, पूजा पाठ में लगे हैं। जो है मरई माता को स्थान में अब आके आप जैसे लाइव प्रस्तुति के माध्यम से देखो माता के दर्शन करो सब जने। भोले बाबा माफ करियो भैया बब्बा जी बिराजे हैं, जो भी देखो दर्शन करो आप सब जने लाइव प्रस्तुति के माध्यम से। बुंदेली चुगली घर बैठ के दर्शन करो, अगर नहीं आ पा रहे तो बुंदेली चुगली जरूर आप लोगों के घर में बैठ के दर्शन करवा है। इतने की महिमा के बारे में कछु बताओ का? बहुत बढ़िया माता की कृपा है, अच्छे अच्छे आदमी आते हैं दर्शन के लिए, बाहर के तक बहुत दूर दूरी के तक आते हैं। पुरानो मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, 84 की पहले से। अब हम होने तो अब एक ही लड़का है तो क्या जाने, जो हमारे और बुजुर्ग आदमी भी बता सकते हैं आप। बब्बा जी बिराजी, बब्बा माता मरई माता बिराजी। देखो भैया मरई माता के दर्शन आप लोग लाइव प्रस्तुति के माध्यम से कर सको। तो माता खा भी वही सिंदूर चढ़े थे, बसी चूल्हा चढ़े थे। अब देखो इतने के पुजारी आ रहे भैया, पुजारी से पूरा इतिहास आप लोगों के सामने पूरा इतिहास यही बता सकत। आओ थोड़ी आपको स्वागत है, थोड़ी ये मरई माता के बारे में थोड़ी हमारे दर्शकन का विस्तार से आप बताओ।
बुंदेली चुगली चैनल में आपको स्वागत है। यह लाइव प्रस्तुति चल रही है माता की। आप मंदिर की स्थापना के बारे में कुछ जानकारी दो। हाँ जे 100 साल पुराना है, राजन की राज का मंदिर है जी। जी मरई माता कहाती हैं, एक नौनी बहू कहाती, उनके संतान नहीं होती थी खटीकन, तो वे दोनों डोकरा डोकरिया हते, वे लोग बढ़िया बोले चलो जो अपने नगर छोड़ना है, हमारे संतान हो, जहाँ हमारे संतान होगी उतें हम अपने रह भी। तो वे ते आए तो जी क्या है, मरघट की मरई है, आसमानी मरई, मरघट की मटई, और है माँ सरस्वती काली, ये तीनों बहने हैं। जे आए सुनने के बब्बा बहू जेठ मासन के दिन हते श्यामर का पेड़ा लगू तो ये वे लोग कहते हैं भाई बब्बा भाई ते खा ले, वे बोले ते खा ले, बोले हमें तो जब खाने डोकरिए, बोली जब हमारे संतान हुए तो खाना हमको, नहीं था नहीं खाने। तो भी आई माता रानी आई ऐसी टोकनियाँ धर के, बोले बब्बा बहू काय का बात है, बोले तो का करने ते हमें दे दे है का, बोले हाँ हम दे दे भी, हमें बताओ का है, बोले अपने हरवाए हैं दे रोटी ते नहीं दे सकत, अरे बोले बताओ तो माता राम का है, बोले हमें संतान चाने सुबह, बोली माता बोली कि अब ये तुमने संतान मंगाई जब मरे हैं हो गई बुढ़ापे, हाओ 70 साल की 60 साल की हती, बोले हमें अभी चाने अगर ते माता है तो हमें अभी दे दी, बोले का कर हो, बोले हमें का करने, बोले तो करने तो आए कछु, बोले कर भी, तो बोले जो सतुआ खाओ फैली, तो दो जनन ने सतुआ खाओ, बोले अब कहाँ जा रही, बहानों करके खबवा दो हमें तो संतान चाने, तो ऐसी तोर हती जाए खैया सुबह आई सुमाए तो कन्या लेके बैठ गई, और बोले हम मरैया, और बैठी जैसी बेसो आधी तोर सरक गई आधी है, न जा कोई स्थापना की है, उनके 9 महीना में लड़का हुआ, उनने तुम्हें बताई बढ़िया ये चबूतरा बनवाओ बढ़िया है, सो तुम्हें बताई पूजन पाठ करी माता के, ते आओ बढ़िया 5 पैकर्मा लगाओ और 5 सोमवारें आओ, 5 कन्यान की चरण धो के पियो, ठीक है, और आपकी संतान आपकी मन कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ये 100 साल पुरानी माता है, राजन के राज की है, ना कोई की वो है, ये अपने आप माता यानी कि खुद प्रकट खुद प्रकट गई, और नौनी बहू कहा उनने ये संतान दी, ठीक है, उन्हीं ने जी तो हम बताई अपने एक चबूतरा बनवाया, फिर जिसके बच्चा हुआ जिसके कछु हुआ उन लोगों ने तो हम बताई ये छोटा सा मंदिर बनवाया, और बढ़िया थे शहर के बाहर के अपने थे बम्बई के आदमी आते, उनके लड़का हुआ है, कहते 5 सोमवार यहाँ 5 कन्यान की चरण धो के पियो, जो तुम्हारी मन कामना होगा वो पूरी होगी। आपको सब नाम हमारा हीरालाल बाबा जी कहते हैं भैया, देखो पुजारी है ये मरई माता के, हीरालाल बाबा जी है। अच्छा आज दर्शन कर भी आई तुम माता का घर में, क्या मनोकामना है कि माता रानी से? बस यही प्रार्थना है कि ऐसे ही हम लोग जो भक्त जने हैं लोग जो उनकी मनोकामना पूरी करते रहे और ऐसे ही हम लोग आते रहे। आज इतने आके खुश लग रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि माता के दर्शन। तो भैया देखो जो भक्ति भाव जो है हमारे तक के संस्कार जो पुराने संस्कार है रीति रिवाज है आपने दर्शन कर लिए? हाँ कर लिए। कैसे लगो माता के ते आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, शांति महसूस, बिल्कुल पूरे मन शांति को वरदान मांगो माता, बिल्कुल। तो भैया जो है देखो हमारे तक की जो संस्कृति है उस संस्कृति में जो है बच्चन से लगा के बूढ़न से लगा के सब जने पूजा अर्चना करे थे, अब हम देखो हाँ इतने के आके मंदिर में दर्शन हो गए, हाँ बहुत अच्छा लग रहा। माता से का आशीर्वाद? माता से जी आशीर्वाद रहो कि सबका सुखी रखियो और सबकी मनोकामनाएं पूरी करियो, जो देश को मतलब अपने छतरपुर को प्रचलित मंदिर है इतने सब भक्तन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भैया कैसा महसूस हो रहा? बहुत आनंददायक महसूस हो रहा हूँ, माता रानी के दरबार में आके बहुत अच्छा लग रहा हो, सब मनोकामना पूरी कर रही माता रानी, सब पे ऐसी दया दृष्टि बनाए रहे माता रानी। भैया देखो भक्ति भाव अब हम आगे आपका लेके चल रहे, एक मंदिर और है वे मंदिर सब हम आपका एक एक क्रम से दिखवा भी, क्रम बाई क्रम दिखवा भी। ऐसी याद सात माँ है कि मुंह मांगे वरदान देती है, मुंह मांगे वरदान, जो कछु मांगो इच्छा पूरी, जो कुछ मांगो वो इच्छा पूरी। तो भैया देखो इनसे ज्यादा कोई नहीं बता सकते, ऐसे लोग बता सकते, हम 40 साल से रह रहे
हमने शायद ऐसे चौक पूर के बच्चन को मुंडो करवाओ और कहो माता जंगले, तो समझ लो कि कुछ भी आज के 40 साल से यहाँ रहते हैं। आज तो बहुत चौनवार हो, यहाँ आदमी लेटिंग करने आता था और छोटी नहीं छोटी सी मढ़ुलिया हाथी, मगर माता की शक्ति देखो कि वो अपनी जगह में है और पूरा सब कितना विकास हो गया। इतनी याद सख्त माँ है, कोई माने या ना माने, अपन तो इन्हीं की बल से इतने आगे बढ़े कि बता नहीं सकते, हम तो ड्यूढ़ी जगह नहीं छाड़ सकते। बहुत अच्छी माँ है जो है भैया। माता को चमत्कार देखो, बता रही है कि हमें 40 साल हो गए, 40 साल से वही श्रद्धा भाव से उन्हें ज्यादा हो गई हमें आए। कितने साल हो गए? 40 साल से ज्यादा, 50 तक की हुई है। 50 साल तक। हाँ, माता के दर्शन कर रहे थे। हाँ, यही ड्यूढ़ी में, ये तो यही। अच्छा, इतनी मंडिया रहा है, भारी है। अब भगवान की दया से मैं कुगा माई से गिर गई थी नागतवा, इतनी ईंट भसक गई थी। माता की ढारे आई थी यही, वही भगवान बहुत फला है, एकदम माता को आशीर्वाद मिलो। हाँ, भगवान में अगर कोई आत्मा से माने तो हाँ। और नहीं ऐसा तो ऐसा है कहीं कहीं हाँ। मानो तो देवनी पत्थर तो है ही है। आत्मा से परमात्मा, आत्मा से परमात्मा मानो है महाराज, खूब मानो है हम महाराज का। यही दी तंदर यही मोड़ता है डाय रहती। अच्छा, आप लोगों को निवास भी है? नहीं, निवास है उन्हीं की बल से तो है। बहुत उन्हीं की बल से भगवान भरोसे। जो है देखो भैया कि इतना इनको निवास हो, इनसे ज्यादा शायद कोई जानकारी नहीं दे सकत। तो जो भी हमारी सौभाग्य बुंदेली चुगली चैनल को जो मिली है माता दरबार के, हमारा मतलब एक बच्चा पटवारी हो गया, एक बच्चा इंस्पेक्टर है, बिटिया स्टाफ नर्स है, मालिक बड़े बाबू हैं, और ना कछु इसके लिए आए थे कि यहाँ रिक्शा चलाएंगे अपना पेट पालेंगे। कहाँ से आए? हम हैं तो यही छतरापुर निवास के एमपी के। हाँ, लोकेश नगर लोहड़ी क्षेत्र लोहड़ी तहसील कौन सोगा बेड़ी सायपुर। भैया बेड़ी सायपुर देखो कहाँ कहाँ के आदमियों कैसे हो, सिर्फ इतने आए थे अपनी मने। हमारे मालिक यहाँ आए थे और पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ इसलिए आए थे कि यहाँ छुप के रहेंगे जंगल में और रिक्शा चलाएंगे अपना पेट पालेंगे। मगर आज माता रानी ने इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया कि बता नहीं सकते कि मनोकामना, सब मनोकामना पूरा। जो है भैया देखो हम एक एक चीज दिखवा रहे हैं आपको सामने, माता के जो चमत्कार है, माता ने जो चमत्कार दिखाए हैं वे प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि हमें 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अब भगवान भोलेनाथ विराजे हैं भैया, नन्नी बाबा विराजे हैं, सुदर्शन करो सब भैया ने। भक्ति भाव एक अलग चीज है और श्रद्धा भक्ति से जो काम करो जाते तो वो फलीभूत होते है, ऐसी मान्यता है। और वही को प्रसाद है कि आज ये 50 साल से मरई माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर रही। तो बता रहे हैं कि एक लड़का हमारा इंस्पेक्टर हो गया, बिटिया नर्स स्टाफ हो गई और एक लड़का और सर्विस में निकलो। तो जो माता को प्रसाद है कि अगर भक्ति भाव से आदमी मानत है मनोकामना तो वो मनोकामना माता पूर्ण करती है। मरई माता को ऐसो आशीर्वाद है। हाँ भैया दर्शन करे आए तो बताओ दर्शन होगा माता के। तो भैया देखो छोटे छोटे बच्चा भी आउट है, एक श्रद्धा भाव एक जो भक्ति भाव हुए थे। देखो जी है मरई माता की आप दर्शन करो सब जने, देखो पूजा अर्चना चल रही, मताई बहने हमारी पूजा अर्चना में मस्त हैं, लीन है और भाव भी चाहिए। ये नौ दिन जे अमृत वाले हैं कि अमृत वर्षा हुए थे। देखो मरई माता के दर्शन कराओ जाओ भैया, माता रानी के दर्शन आप लोगों करो घरे बैठ के। अगर इतने हमारे जो दयाल भक्त दयालु है और जो हमारे कमेटी वाले है, हर अमास को भंडारा होता है और वृद्धाश्रम खाना जाता है। हम लोग सब माता की कृपा से जितने जने हम आए हैं वे सब जने लगे हुए हैं। हमारे इतने बड़े परिवार है माता को कि तुम्हें बताई सब जने लगे हुए हैं, सबका शुभकामनाएं होती हैं और सबकी तुम्हें बताई जो इतने आता है रोता आता है वो हंसता जाता है। आशीर्वाद, हाँ माता को इतना आशीर्वाद है। जो है भैया जैसो कि वे बता रहे कि जो को इतने रोत आउट है, जो परेशानी में विपत्ति में आउट है, माता की सभी विपत्तियों को हरण करती हैं। और देखो माता माता का ढालवे आती भैया, जो सबसे बड़ा चमत्कार है कि माता इन्हीं में विराजती, नौ दुर्गा को रूप जो है वो कन्या में मानो गो है दर्शन कर ले आती। बहुत शांति मिलती है, माता सब मनोकामनाएं पूरी कहती सबकी। हम तो हर नवरात्रि में आते हैं दर्शन करने बीच में। हाँ, माता की प्रति अगाध भरोसा, विश्वास है, तभी तो आते हैं। माता की सब मनोकामनाएं पूरी होती माता को धराने से।
भैया जो है देखो हम यही से श्रद्धालुओं से बात करा के एक एक राज बाहर ले रहे माता की कि जिमे से जो पतो चले कि इतने माता को चमत्कार का है। अब ये बब्बा जी विराजे हैं माता के ठीक सामने, मरई माता के ठीक सामने बजरंग बली बब्बा को स्थान है भैया। ओ चोला जो बजरंग बली बब्बा का है ओ चोला माता को है, आप देख सकत हो मिला सकत हो। पंडित जी लीन है भैया भक्ति भाव में, पूजा अर्चना चल रही तो हम व्यवधान न डारे नहीं तो हम बात करके उनसे भी बताते आपका इतने के बारे में बताते बब्बा जी के दर्शन करो सब भाई जने। जो है माता रानी के ठीक सामने हनुमान जी महाराज विराजमान है बजरंग बली बब्बा, और एक ही चोला है भैया जैसो कि भगवान का सिंदूर चढ़ा थे बब्बा जी को वही माता के लाने हैं, माता भी वही रूप में है। दर्शन हो गए, पूजा हो गई, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा हो इतने आके? अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। हाँ। अब भैया परिक्रमा और हो जाए, इतने तक आए हैं तो हमें भी परिक्रमा करने हैं बब्बा जी की। परिक्रमा लगा के हम देखो आपका बगीची अभी दिखा रहे, कितनी सुंदर बगीचिया है माता के स्थान में। इतने कछु न तो एक टाइम पे जो मरगटा है पूरे ई तरफ कब्रिस्तान है ये मरगटा है, इतने माता को मंदिर है, यही से उनको नाम परो है मरई माता का, मसान माता है ये, मरगट की माता है ये, सो इनको नाम भी परो है मरई माता। मरई माता जैसो की नाम है तो वो मरगट के लाने हैं कि मरगट में माता को निवास है जहाँ पे अंतिम संस्कार करो जाते हैं आदमी को, उतर पे माता बिराजी हैं। इसे माता को जो नाम दौगौ है मरई माता, और मरई माता के जो तीन रूप हैं जैसो कि पुजारी जी बता रहे कि सरस्वती माता, मरई माता और एक माता और है इन्हीं के संगे जो तीन माता हैं, और तीनों मातन को अवतार और इतने पे साक्षात। अच्छा जो तीन बहने कौन कौन होती माता जी? माँ सरस्वती, काली और लक्ष्मी जी, मरई माता और नौ दुर्गा बैठी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लेते और जी गाड़ी वाली बब्बा है जी, इनकी गाड़ी यहाँ कर जी बैठ के जाती। अच्छा जी सारथी। हाँ जी तो भैया देखो उतने भी दर्शन करो कि जैसो कि पुजारी जी बता रहे, पुजारी जी बता रहे कि जी इनके सारथी हैं भैया, माफ करियो पहले हम समझते कि बब्बा जी बिराजी कैसे एक ही है ऐसा आप देख रहे हो, बे इनकी गाड़ी चलाउती माता की। भैरव बब्बा है। हाँ अच्छा, इनके दर्शन करके यहाँ वो इनकी दर्शन पुनीत है, इनकी दर्शन करने आ पर सुसफल हुआ भैरवनाथ। जो भैया जो बात एक ऐतिहासिक है प्रमाणिक है कि जहाँ माता विराज है उतने भैरवनाथ जरूर मिले। और नौ दिना में मतलब नौ दुर्गन में अपने इतने दिवालो धरू जाते इनको जवारी कब जी? जवारी नौ दिना में खुटती है, दस आठ नमे यहाँ खुटेगी, और चार बजे की चार बजे से सात बजे तक तो मैं बताई घाट पे। और इनकी जो पूजन पाठ है इनका दिवाला इतना ही खुटता है, कहीं ना शहर में जाता है इनकी इतना ही नदियाँ निकली इतना ही हो सब इतना ही इनका घाट बना है। इनका जो और बाहर की धरती है भी इतना मरई माता के नाम का भी इतना ही ले आती है। इनकी ऐसी श्रद्धालु जैसे कोई के बच्चा होगा, कोई संतान होगा, कोई का अच्छा होगा, कोई की शादी हो गई तो उन्हें कहते हम दिवालो धरवावी तो भी इतना ही ले आ माता की ऐसी श्रद्धालु। भैया बुंदेली चुगली प्रयास करे एक बार भैरव बाबा के दर्शन और करवा भैया सभी दर्शकन का। भैरवनाथ प्रमुख है कि जहाँ माता हुई है तो भैरवनाथ जरूर हुई है, एक बार भैया सभी जने दर्शन करो। बुंदेली चुगली प्रयास करे कि नमय खा जबारन के टाइम पे अगर शायद समय माता दे हैं, माता को आशीर्वाद मिल है तो हम जरूर दिखवा भी लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों ने खा। हम एक एक दृश्य दिखवा रहे, देखो अंदर पुजारी जी बता रहे थे देवालो है तो पुजारी जी के संगे हम अंदर प्रवेश कर रहे भैया, जबारा दिखवा रहे हम आपका कि इतने से नमय खा जबारा खुटत है, देखो भी जा सके थे माता को आशीर्वाद, साक्षात आशीर्वाद जो है देखो आप कितनों सुंदर कितनों सुहानो कितनों नोनो लग रहो कितनों साजो लग रहो जो लगा थे आप थोड़ी। हाँ ऐसे आके बताओ आप कब से पूजा अर्चना कर रहे, बैठो आप थोड़ी ऐसे। अब जे कहा है भैया माता के पंडा, जे पुजारी है जे पंडा कहा है, कैसे जबारे रखे हैं और जबारन की जो कछु भूमिका होते वो पंडा की होते कि माता का का प्रसाद लगने है का भोग लगने, माता नाराज है तो कैसे मनाने माता का, तो जो सब पंडा करत तो भैया अब हम इनसे जरूर पूछ भी अपना शुभ नाम का है। अपना शुभ नाम का है? कालीचरण कुशवाहा।
कुशवाहा जी आप बताओ इनके बारे में, इनके चमत्कार के बारे में, जवान के बारे की काकात है, सब उनकी कृपा रात है ना। जैसे हम तुम तेजिया, जैसे गल्ला बानी बहुत, अब जैसे जीव भी तो जिन नौ दिनों में इतने हो जाते हैं है ना, ना इतने धूप में लगे, ना धूप में लगता है, बिना धूप के पौधा तैयार। हाँ नहीं हो धूप मानो जात भैया, जवारी ऐसी लगत कि देखते ही रहो, उनकी सुंदरता को बखान नहीं करूं जाते, को नहीं कर सका, को नहीं कर सका। कितने साल हो गए जाते? अरे अब हमें तो हो गए जाने के 40 तो के। देखो अगर इतने नहीं आ पाए दर्शन कर भी तो बुंदेली चुगली चैनल के माध्यम से देखो, घर बैठ के देखो, देखो माता की जवारी जे भैरव बाबा की धरी है, गोरज धरी हुए जे माता की कटीला धरी हुए जे, देखो पेड़ के इनको बनाने जाती है, फिर घट पे धरी जाती है, फिर चार जने आके एक जने आए सो कन्या से उनसे ऐसो विवाह दिवा लो, या पंडित जी से पांच पांच दाने डाल दे, या हम पंडा है पुजारी है सो हमने पहले डालू, फिर सबरी हमारी जनता जे खेती बहती है वो खेती बह के तुम्हें बताइए, माताएं आती हैं सबको दर्शन देती हैं। वहां से मांगा खाली नहीं रहा, पूरा हुआ, माने वरदान, वरदान पूरा होता है यहाँ का, कहा है हम अच्छे नंबरों से पास हो जाए। बहुत बढ़िया, देखो भैया जिस संस्कार है हमारे के बच्चा भी संगे संगे उठे, वे भी मनोकामना अपनी मांगत है जो। हाँ भैया बुंदेली चुगली, हाँ भैया कैसो महसूस हो रहे थे यहाँ के, कैसो लग? मन को शांति मिलती है, माता के दर्शन होते हैं, नौ दुर्गों में अच्छा लगता है परिवार के साथ आना। जो है भैया देखो, देखो जा सकत कि ये ही है बसे नहीं, मैं भगवान बसत बच्चन में भगवान बिराजत है, जैसो कई जात वो हकीकत है। और संस्कृति हमारे भारत की ऐसी है, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति ऐसी है कि मताई बापन से जब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलाओ जाते प्रथा का आगे बढ़ाओ जाते संस्कार आगे बढ़ाए जात, बच्चन का लेके संगे मताई बाप आउत है कि आगे तुम्हें जो कैसे लेके चल रहे हैं, कैसे अपने धर्म को प्रचार करने, कैसे संस्कृति को प्रचार करने, कैसे अपने धर्म का आगे बढ़ाने, जो हमारी भारतीय परंपरा की संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है। अब देखो इत कन्या भोज की तैयारी हो रही, तो हम जो भी आप लोगों का लाइव प्रस्तुति के माध्यम से दिखवा रहे, कन्या भोज की तैयारी हो रही, माता विराज चुकी हैं। देखो आप इतने से देखो बड़ो पावन पुनित दृश्य है जो भैया, ये नौ दिन नहीं के नाम पे होते पूरे, ये माता समझ लो कि नौ दिना की जो माता जाइए बैठी सभी, देखो जा सकते हैं इन्हीं में भगवान बसत है, माता को वास है कन्या में है, कन्या को रूप है माता को, तो नौ दुर्गा जो मनाई जाती है, नौ दुर्गा को मतलब ही है कि कन्या की पूजा। तो जो हमारे धर्म में जो सिखाओ गए है, जो चल रहा भैया लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आपका दिखवा रहे हैं कि सभी जने बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति घर बैठ के देखो, अगर इतने नहीं आ पाए तो घर में बैठ के आप लोग इस प्रस्तुति को आनंद लो, और घर बैठ के आप लोग सभी जने दर्शन करो। अब भैया जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति हमें तभी पर समाप्त कर रहे हैं, फिर कौन खबर लेके माता की आप लोगों के सामने हम फिर हाजिर होगी, और जैसे हम बता रहे हैं कि नौ दिना में नौ माता के दर्शन करावो, बुंदेली चुगली को धर्म है फर्ज है कि अपने दर्शकन के हम घर बैठ के नौ दुर्गन में नौ मातन के दर्शन करवाएं, नौ दिवाला दिखवाएं हम, तो वही प्रक्रिया के अंदर आज आए हैं मरई